दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शतक शतक दोहरा शतक, T20 वर्ल्ड के बाद टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर कोहली ने रचा इतिहास। पहले टेस्ट मैच में कोहली ने बचाया इस कदर तूफान, थर थर कांपने लगे बांग्लादेशी गेंदबाज। चौके छक्कों की बरसात करते हुए कैसे विराट ने बांग्ला टाइगर्स के उड़ाए पर खच्चे, उनकी खौफनाक ऐतिहासिक पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली चेतेश्वर पुजारा में से टेस्ट क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है, कॉमेंट करके बताइए। दोस्तों चटग्राम के अहमद चौधरी स्टेडियम में आई है किंग कोहली की आंधी, जिसके सामने सूखे पत्तों की तरह उड़ गया हर एक बांग्लादेशी गेंदबाज। जी हां, आपको बता दें कि पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जहां किंग कोहली ने इस मौके को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। उन्होंने अपनी वापसी के बाद ही पहले T20 और उसके बाद वनडे क्रिकेट में शतक लगा दिया। अब सभी फैंस इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में भी शतकों का सूखा खत्म करें, और विराट कोहली ने अपने फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उन्हें दोहरी खुशी दे दी। जी हां दोस्तों, विराट ने बल्लेबाजी पर उतरते ही टेस्ट मैच के अंदर संभल कर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। गेंद जैसे ही बल्ले पे आती तो उसको छोड़ते नहीं थे, जिससे साफ जाहिर था कि विराट आज एक बार फिर से इतिहास रचने के इरादे से उतरे हैं। देखते ही देखते विराट ने 3 चौके की बदौलत अपना अर्धशतक जड़ दिया, और एक तरफ से विकेट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ से विराट गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, क्लास लगा रहे थे। जी हाँ, उन्होंने अपने T20 अंदाज में प्रदर्शन किया और शाकिब अल हसन के ओवर में दिखा दिया कि इस खूंखार खिलाड़ी को विराट ने जमकर पीटा और 4 खतरनाक चौकों की बदौलत इस ओवर में 19 रन बटोर लिए। दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान को कवर के ऊपर से शानदार कवर ड्राइव लगाकर विराट ने अपना शतक पूरा किया और इस पारी में उन्होंने 10 चौके लगा दिए थे। किंग की उस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम में विराट 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 के नारे गूंजने लगे, तो वहीं पर पूरा भारतीय खेमा उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहा था। बांग्लादेश की हालत तो अभी से खराब हो गई थी, लेकिन दोस्तों उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विराट तो आज तबाही मचाने के मूड से उतरे हैं। 2 सेशन खत्म होने तक विराट कोहली 149 रन तक पहुंच गए थे और लोगों को उनका दोहरा शतक दिखाई देने लगा था, और फैंस विराट के दोबारा बल्लेबाजी पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों जैसे ही विराट कोहली दिन के आखिरी सेशन में बल्लेबाजी करने के लिए आए तो इस ओवर में उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। उतरते ही विराट ने दूसरे ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को आड़े हाथों ले लिया और 4 गेंदों में 2 चौके और 1 तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने इस गेंदबाज की हालत खराब करके रख दी। शाकिब अल हसन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन किंग कोहली के सामने पूरी दुनिया सलाम ठोकने को मजबूर हो गई। और देखते ही देखते विराट कोहली ने चीते की रफ्तार से दौड़कर महज 192 गेंदों पर अपने दोहरे शतक को अंजाम दे दिया। उनकी इस उपलब्धि पर विराट का रिएक्शन तो देखने लायक था और उन्होंने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का सम्मान बढ़ाया। 200 रनों की अपनी पारी में विराट कोहली ने 4 छक्के तो वहीं 19 चौके लगाए, और दोस्तों टेस्ट मैच के पहले ही दिन उन्होंने ये मुकाबला भारत की झोली में डाल दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।